देखिए दोस्तों आज है 12 जून और बात करने वाले हैं 12 जून दो हजार उन्नीस से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे तो देखिए बिना वक्त जाए किए आज का लेसन अपन शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपको रखा है सत्रहवीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन होंगे तो देखिए प्रोटेम स्पीकर का मतलब क्या होता है अस्थायी अध्यक्ष तो 17वीं लोकसभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इसका करेक्ट आंसर होगा सात बार के सांसद हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार 65 साल के हैं और 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के लिए इनको चुना गया है बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र कुमार को 17 जून 2019 को राष्ट्रपति भवन के अंतर्गत उनको पद की शपथ दिलाई जाएगी तो इसमें डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इसका करेक्ट आंसर होगा देखिए वीरेंद्र कुमार है वो लगातार ग्यारहवीं यानी कि उन्नीस सौ छियानवे उसके बाद में बारहवीं बाद में तेरहवीं चौदवी पंद्रवीं सोलवीं और अभी सत्रहवीं लोकसभा के लिए चुने गए हैं तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है लगातार ग्यारहवीं बार अध्यक्ष का जो चुनाव है वो उन्नीस जून दो को होगा और राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद है वो बीस जून को सुबह ग्यारह बजे सेंट्रल हॉल में संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होगी उसमें संबोधित करेंगे प्रोटेम स्पीकर क्या होता है एक अस्थायी अध्यक्ष होता है जिसे लोकसभा या फिर राज्य विधानसभाओं में जो सीमित अवधि के कार्य हेतु इनको नियुक्त किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को चुना गया है फिर देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है जम्मू कश्मीर बैंक का अंतरिम प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है तो देखिए आर के चिब्बर इसका करेक्ट आंसर होगा इनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष परवेज अहमद जो परवेज अहमद है उनको इनके पद से हटा दिया है और जो कार्यकारी अध्यक्ष आर के चिब्बर है उसको तत्काल प्रभाव से बोर्ड का अंतरिम अध्यक्ष और एम यानी कि प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है देखिए जम्मू और कश्मीर के महाराजा जो हरी सिंह है उनके द्वारा जारी किए गए एक जो एकस्व अधिकार पत्र है उसके तहत एक अक्टूबर उन्नीस को जम्मू कश्मीर

नारेन भाई थे जो अभी दिल्ली उस के कर उसमें बताया था झारखंड उच्च न्यायालय का जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है वो अभी किसे बना के प्रशांत कुमार को नियुक्त किया है देखिए झारखंड राज्य है वो बिहार राज्य से अलग होने के बाद में बिहार पुनर्गठन अधिनियम दो के तहत वर्ष दो 15 नवंबर 2000 में झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी तो जिसके कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी प्रशांत कुमार को नियुक्त किया है फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है दसवें इक्वेटर प्राइज का आयोजन कहाँ पर होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूयॉर्क इसका करेक्ट आंसर होगा देखिए यू एन डी पी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और जो सहयोगी हैं उनके दुनिया भर में 22 स्थानीय और जो स्वदेशी समुदाय है उनकी पहचान करने के लिए दसवें इक्वेटर प्राइज़ का आयोजन किया जाएगा इसके विजेताओं की घोषणा की गई है प्रत्येक जो सेक्टर है उसमें प्राइज विजेता को दस हजार अमेरिकी डॉलर प्रदान किए जाएंगे और दो समुदाय के प्रतिनिधियों को चौहत्तरवीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले इस एक सप्ताह लंबे शिखर सम्मेलन में शामिल होने का अवसर भी मिलेगा तो न्यूयॉर्क इसका करेक्ट आंसर होगा फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है वर्ष 2018 हजार में सेवा क्षेत्र में एफ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है देखिए एफ का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है सैंतीस प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो सेवा क्षेत्र है उसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफ सकल घरेलू उत्पाद में सैंतीस से अधिक की वृद्धि हुई है ऑप्शन सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ने देखा है रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर अभी हाल में दो करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक ने उसने गैर राज्य ऋणदाता कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर प्रमोटर शेयर होल्डिंग विनियामक के आदेश का पालन करने में विफलता करने के लिए दो करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है भारतीय रिजर्व बैंक का वर्ष 2014 के बाद से अरबपति प्रमोटर उदय कोटक के द्वारा हिस्सेदारी में कमी करने में विफलता के लिए कोटक महिंद्रा के साथ में विवाद चल रहा है तो कोटक महिंद्रा बैंक इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट आपको देखा है कैलास मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी किसके द्वारा दिखाई गई है तो देखिए अभी हाल ही में जो विदेश मंत्री चुने गए हैं सत्रहवीं लोकसभा के लिए उनका नाम है एस जयशंकर जिनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं उनके द्वारा दिखाई गई है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में कैलाश मानसरोवर यात्रा वर्ष दो के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई है प्रत्येक जत्थे के लिए यात्रा की जो अवधि है वो चौबीस दिनों की है जिसमें दिल्ली में शुरुआती तीन दिन भी शामिल है ये जो यात्रा है वो हर वर्ष जून और सितंबर के बीच में विदेश मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है देखिए भगवान शिव के जो भक्त हैं वो हिमालय में बर्फ से ढकी जो चोटियां हैं उसके ऊपर जाते हैं और उनके दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं ये जो वेद्य भारतीय पासपोर्ट धारक भारतीय नागरिकों के लिए खुला है जो धार्मिक उद्देश्यों के लिए कैलाश मान सरोवर के नाम से जाना जाते हैं तो देखिये इसमें एस जयशंकर इसका करेक्ट आंसर होगा फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है दोपहिया वाहनों के लिए भारत का पहला बी एस सिक्स देखिए यहाँ इस तरीके से लिखा गया है बी एस सिक्स यानी कि भारत स्टेज सिक्स प्रमाण पत्र है वो किसके द्वारा जारी किया है तो देखिए आईसीएटी के द्वारा जारी किया गया है आईसीएटी का मतलब होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी तो उसके द्वारा भारत स्टेज सिक्स मानदंडों के लिए भारत का पहला टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट जारी किया है जो कि दोपहिया वाहनों की श्रेणी के लिए भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित नवीनतम उत्सर्जन मानदंड है तो इसमें आईसीएटी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा फिर देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ने देखा है जी सेवन जो शिखर सम्मेलन है उसके आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए मेक्रो के निमंत्रण को किसने स्वीकार किया है तो देखिए इसका करेट आंसर होगा भारत देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो बियारिथ में होने वाले जी सेवन शिखर सम्मेलन में आउटरीच सत्र के विशेष अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति जिनका नाम है इमेनुअलो उनके आमंत्रण को स्वीकार किया है विदेश मंत्रालय के अधिकारी रविश कुमार के अनुसार यह निमंत्रण दोनों नेताओं के बीच में व्यक्तिगत मित्रता को दर्शाता है देखिए जो जी सेवन शिखर सम्मेलन है वो पैंतालीसवां सम्मेलन है और ये पच्चीस से लेकर सत्ताईस अगस्त दो तक फ्रांस के नोवेले

वेल बींग दो को अपनाया है देखिए जो नीति निर्धारण प्रक्रिया है उसका समर्थन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक नेशनल वेल बींग ऑब्जर्वेटरी का विकास करना है तो संयुक्त अरब अमीरात इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट आपको देखा है हास्य अभिनेता जिनका भी हाल ही में निधन हो चुका है उनका नाम आपको बताना है तो क्रेजी मोहन इनका नाम है इनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं लोकप्रिय तमिल नाटककार हैं और रंगमंच और फिल्म कॉमेडियन क्रेजी मोहन सिक्सटी वर्ष की उम्र में चेन्नई के कावेरी हॉस्पिटल में इनका निधन हो चुका है लेखन में उन्होंने अपना हाथ आजमाया और सौ से अधिक लघु खताएं तीस नाटक लिखे हैं चालीस से अधिक फिल्मों के इन्होंने काम किया है जिनमें कमल हासन के द्वारा अभिनीत आव्य समूह गवी जो फिल्म है उन्होंने भी इसमें अभिनय किया है तो क्रेजी मोहन इसका करेक्ट आंसर होगा फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ने दिख रहा है आरवी जानकी रमन का निधन हो गया आपको बताना है कि किस राज्य के ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं इनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं पुदुचेरी इसका करेक्ट आंसर होगा पुदुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके नेता आरवी जानकी रमन 78 वर्ष की उम्र में पुदुचेरी के एक निजी अस्पताल में इनका निधन हो चुका है श्री जानकी रमन ने वर्ष 1996 नाएंटी से लेकर वर्ष 2000 के बीच में पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था और लगातार पांच बार 1985 1990 1991 1996 और वर्ष 2001 नेली थोपे निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे वर्ष 2006 में ए आई ए डी एम के उम्मीदवार ओम शक्ति शेखर से ये चुनाव हार गए थे तो पुदुचेरी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है किस राज्य में मेला खीर भवानी मनाया गया है तो जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर होगा जो मध्य कश्मीर है जम्मू कश्मीर का जो मध्य कश्मीर है उसमें गांधरबल जिले में तुल्मुल्ला क्षेत्र में और जो कुपवाड़ा है वहाँ पर वार्षिक उत्सव जिसका नाम है मेला खीर भवानी ये धार्मिक उत्साह है और उल्लास के साथ में मनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इसका करेक्ट आंसर होगा युवराज सिंह भारतीय क्रिकेटर हैं युवराज सिंह सैंतीस साल के हैं और इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा भी कर दी है युवराज आईसीसी के द्वारा स्वीकृत जो विदेशी ट्वेंटी ट्वेंटी लीग है उसमें स्वतंत्र रूप से खेलेंगे ट्वेंटी ट्वेंटी क्रिकेट में पहली बार युवराज ने डर्बन में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए सुपर एट मैच में स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में छः बोलों पर छः छक्के इन्होंने लगाए थे वर्ष 2007-2008 के बीच में भारतीय एकदिवसीय टीम के उप कप्तान भी युवराज सिंह रहे हैं युवराज सिंह आखिरी बार जून 2017 में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत टीम में शामिल थे तो युवराज सिंह क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा तो देखिए दोस्तों इस तरीके से 12 जून 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में अपने बात की है वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को जरूर जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाले इसी तरीके से लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहे